देखिए ये है खाम आलू। इसका सब्जी आज हम लोग बनाना सीखेंगे। देखुन इटा बांग्लाय आमरा मेटे आलू बोली। ये मेटे आलू सब्जी आज के आमरा बनानो शिखबो। चलुन रेसिपिटा शिखे नेया जाक। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है और विंटर के सीजन में ये मिलता है, इटा शीतकाले पावा जाए। देखिए ये है खाम आलू जिसको हम लोगों ने छिलका निकाल लेने के बाद छोटे पीसेस में ऐसे काट लिया है। इसका सब्जी बनाएंगे। देखुन एटा मेटे आलू जेटा हमरा खोसा छड़िए टुकड़ो करे नियेछि छोटो छोटो अंशे। अभी देखिए कड़ाई को मैंने गरम कर लिया है। देखुन कड़ाई गरम हो जाए पर तार मध्ये सर्षे तेल ऐड करछि। अभी सरसों के ऑयल ऐड कर लिया मैंने। अभी इसमें फोड़न के लिए मैं डाल दूंगी नाइजेला सीड्स मतलब कलौंजी। एबार फोड़ने जन्य एर मध्ये कालो जीरे दिए दीछि और अब मैं इसमें जो कटा हुआ खाम आलू का पीसेस है उसमें उसको डाल दे रही हूँ। देखुन एबार मेटे आलू टुकड़ो गुलो के एर मध्ये दिए दीछि। अभी इसमें दो तीन ग्रीन मिर्ची ऐड कर रही हूँ। तीखा अपने अनुसार आप ऐड कीजिए। देखुन दो तीन के काचा लंका में दिए दिलाम। एबार एर मध्ये दिए दीछि नून हलुद गुड़ो। ग्रीन मिर्ची ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर ले रही हूँ। सब कुछ भालो करे मिक्सिंग करे नीचे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। एबार एर मध्ये लाल लंकार गुड़ो दिए भालो करे मिक्स करे निलाम। फिर से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। एबार एर मध्ये एक चम्मच भाजा जीरे गुड़ो दिए दिलाम। अभी एक चम्मच अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। एबार एर मध्ये एक चम्मच आदा बाटा दिए दीची और फिर से मिक्स कर लेंगे। एबार आबार भालो करे मिक्स करे निच्छि। दो से तीन मिनट ऐसे भूनने देंगे। अभी मैं थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। देखो ना हमने प्रयोजन मतो एक चीनी एर मध्ये दिए दीची। আপনারা পছন্দ না হলে সেটা দেবেন না। এবার ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দিচ্ছি। সে 7 মিনিট ঢাককে इसको पकने दिया था। अभी लीड को उठा लिया है मैंने। अभी इसमें एक ग्लास जितना पानी ऐड कर रही हूँ। দেখুন 5 থেকে 7 মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি আর এক গ্লাস মতন জল এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি। এবার ঢাকা দিয়ে রান্নাটা আবার 10 থেকে 15 মিনিট হতে দেব। আর ঢাককে इसको 10 से 15 মিনিট और पकने देना है। मैं इसको गैस में ही बना रही हूँ कढ़ाई पे। अगर आपका मन हो तो आप इस टाइम पे प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सीटी लगा के आप इसको बना सकते हैं। देखो ना मैं इटा गैसे बसिए कढ़ाई ते रान्ना करछी। आपनारा इच्छा होले एई रान्नाटा एई समय प्रेशर कुकारे दिए एकटा सीटी पड़ा पर्यंत वेट करते पारें। ताहले रान्नाटा रेडी हो जाबे। अभी मैं ऊपर से धनिया पत्ता डाल रही हूँ। দেখুন ওপর থেকে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিলাম আর ভালো করে মিক্স করে নিয়ে ঢাকা দিয়ে আবার 2 মিনিট রান্নাটা হতে দেব। আব ঢাককে ফির সে 2 মিনিট পকনে দে রহে হ্যায় আর উসকে বাদ গ্যাস অফ কর লেঙ্গে। এরপর গ্যাস বন্ধ করে দেব। গ্যাস কো মানে অফ কর লিয়া হ্যায় এক বোল মে ইসকো নিকাল লিয়া হ্যায়। দেখুন গ্যাস বন্ধ করে আমি এটা একটা পাত্রে তুলে নিয়েছি। এরকম দেখতে লাগছে। এসে ইজিলি আপ ঘর মে ইস রেসিপি কো ট্রাই কর সকতে হ্যায়। रेसिपी अच्छा लगने पे इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। रेसिपिटा आपनारा एभावे बाड़ीते ट्राई करे फेलुन आर आमाके कमेंट करे जानाबेन केमन तैरी हलो। भालो लागले नीचे देया लाइक बाटनटा अवश्य प्रेस करे देबेन आर लिंकटा फ्रेंड सर्कले शेयर करबेन। आमार चैनले नतून विजिटर होले ताहले चैनलटिके अवश्य सबस्क्राइब करे नेबेन।